ये देखो मैंने ब्रेक नहीं दबाया, गाड़ी खुद ब्रेकिंग कर रही है। ये देखो ये गाड़ी ने खुद किया है। मैंने डर लग रहा था क्या भाई, फीचर है तो क्या पड़ती है। वो अभी दिख रही है मुझे ब्लाइंड स्पॉट में, बट वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही थी। ये देखो टर्न है सामने, गाड़ी का स्टीयरिंग देखो और टर्न देखो, गाड़ी खुद टर्न हो रही है। ये देखो, हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और ये है किया सेल्टॉस 2024। इसमें एडास लेवल 2 आता है जो हाल ही फिलहाल में अपडेट हुई थी, तो मैं इस वीडियो में एडास लेवल 2 के सारे फीचर्स चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे उनको रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली वो कैसे काम करते हैं और क्या उनके पीछे साइंस है, वही आपको सारी चीजें बताऊंगा। सीधा गाड़ी लेके निकलते हैं रोड पे। सो आपको दिखाता हूँ वन बाय वन इसके सारे फीचर्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, बहुत ही लाजवाब फीचर है जब बात एडास की आती है। तो ये देखो अभी है ना, मैं यहाँ पर एक स्पीड गेन कर लेता हूँ पहले तो, और उसके बाद है ना मैं क्रूज यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ 80 का, ठीक है। अब सामने मेरे ट्रक है, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं उस व्हीकल के पीछे जाऊंगा मेरी गाड़ी खुद उसको डिटेक्ट कर लेगी उसकी स्पीड को, और ये स्लो होना शुरू हो जाएगी। ये देखो 81 का सेट है, 70 आ गई। अब जितना उसके पास जाते रहेंगे अकॉर्डिंगली वो स्पीड मेंटेन करेगी, बट यहाँ पे जैसे ही वो समझो हट जाता है मेरी लेन में से, ठीक है। अब वो हटेगा तो नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं लग रहा, पर मैं ही लेन चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे लेन चेंज की 55 से फिर से 81 मेरी स्पीड यहाँ पर वो गाड़ी गेन कर लेगी। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का यही फायदा है कि गाड़ी ब्रेकिंग एंड जो एक्सेलरेशन है वो खुद कर लेती है। अब भाई दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है लेन डिपार्चर वार्निंग प्लस अवॉइडेंस असिस्ट। बहुत सही चीज है, अवॉइडेंस असिस्ट भी दे दिया। अब समझो यहाँ पर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सामने भाई साहब आ गए हमारे अर्टिगा वाले। अब होता ये है कि सोते सोते समझो लेन चेंज हो जाती है ना, एकदम धीरे से गाड़ी अपनी लेफ्ट की तरफ जाने लगती है या फिर राइट की तरफ जाने लगती है, तो इस पॉइंट पे गाड़ी क्या करती है, वार्निंग देगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्लस अवॉइडेंस असिस्ट, यानी कि गाड़ी खुद इस तरफ आ जाएगी अगर मैं इसके स्टीयरिंग को हाथ ही लगाऊंगा। ये देखो धीरे धीरे, पहले तो मैं उसको इस लेन में यहां पर डालता हूं। ये देखो ये खुद इस लेन में आ गई, देखा आपने। अगर मैं ये चीज आपको फिर से करके दिखाऊं यहां पर, ये देखो मैं लेन चेंज करता हूं टुवर्ड्स द लेफ्ट आता हूं, ठीक है। और ये देखो वो वार्निंग भी देती है प्लस अवॉइडेंस असिस्ट भी आपको मिल जाता है, कि मतलब वो खुद इधर आ जाती है। तो होता क्या भाई, कोई गहरी नींद में सो रहा हो, रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, तो गाड़ी जितना मैनेज कर सकती है वो करेगी। अब भाई वो तो था लेन डिपार्चर वार्निंग एंड अवॉइडेंस असिस्ट, अब इसमें आता है लेन कीप असिस्ट भी। ये सभी का फेवरेट फीचर होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ मुझे एक बटन दबाना है। इसमें क्या होगा कि वो तो सोते सोते हमारी गाड़ी इधर जा रही है, बट इसमें मतलब इंसान का ध्यान भी ना होना, वो अपनी लेन को मेंटेन करके रखेगी गाड़ी। ये देखो टर्न है सामने, गाड़ी का स्टीयरिंग देखो और टर्न देखो, गाड़ी खुद टर्न हो रही है अकॉर्डिंगली, खुद वो टर्न हो रही है, मुझे बस अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। इस पॉइंट पे अगर तुम क्रूज कंट्रोल भी सेट कर दो ना, तो पूरा वो टोटली हैंड्स फ्री हो जाता है, कि मतलब अब यहाँ पे वो हालांकि वार्निंग भी देती है कीप योर हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, जो कि हमें हटाना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं डेमो करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये चीजें सेफ्टी वाइज इमरजेंसी में इतनी काम आती है। तो क्रूज कंट्रोल भी ऑन कर दोगे, लेन कीप असिस्ट भी ऑन कर दोगे और डिपार्चर वार्निंग तो ऑन रहता ही है। तो ये तीनों अगर हो गए ना, तो मतलब इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ये फायदा अभी आपने देखा क्या कुछ लेन कीप असिस्ट में आता है, कि वो लेन में ही रहेगी। आप इसको ऑफ भी कर सकते हो अगर आप लेन कटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो इसको ऑफ करके ही चलाओ, बिकॉज गाड़ी क्या होती है ना, अगर लेन कीप असिस्ट ऑन करके गाड़ी चलाओगे ना, और अगर आप लेन चेंज कर रहे हो, तो आपका एक फोर्स रहेगा जिस लेन में जाना है, और स्टीयरिंग भी अपना एक फोर्स लगाता है अंदर रखने के लिए लेन में, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, गाड़ी चलाने के टाइम थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा। सो आइदर कुछ एक यूज कर सकते हो आप। तो अब बात करते हैं फ्रंट कोलिजन वार्निंग प्लस अवॉइडेंस असिस्ट की। इसमें यह होगा सामने कोई व्हीकल इमरजेंसी इसमें आ भी जाती है, समझो आप स्पीड में चल रहे हो, किसी ने लेन चेंज की, आप स्पीड में देना, तो वहां पे उसे अलर्ट मिल जाएगा और वो कोलिजन वार्निंग आपको देगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और अवॉइडेंस असिस्ट ये कि वो एक फीडबैक देगी और गाड़ी खुद ब्रेकिंग करेगी। तो ये काफी सही चीज है, जैसे कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी मैंने 80 का स्पीड सेट कर लिया है, ठीक है, और मैं ये सामने व्हीकल है और इसके पास जाते हैं। ये देखो मैंने लिटरली ब्रेकिंग है ना बहुत लास्ट में संभाली है, गाड़ी ने खुद ब्रेकिंग करी है खुद, और एक कोलिजन वार्निंग भी दी कि भाई अलर्ट हो जाओ। ये तभी होता है कि कोई अचानक से लेन चेंज करे, समझो आप ओवरटेकिंग लेन में जा रहे हो 100 की स्पीड पे,
यहाँ पे कोई बंदा है मिडिल लेन में, वो अचानक से आपकी लेन में आ जाए, तो गाड़ी है ना वहां पे सुपर अलर्ट हो जाती है और आपको इस सेफ्टी फीचर का बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो देखो अभी मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये जो सामने व्हीकल है जो अपने ट्रक है, अभी देखना ये देखो मैंने ब्रेक नहीं दबाया, गाड़ी खुद ब्रेकिंग कर रही है भाई, बहुत सही चीज है। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। मेरे ओआरबीएम्स में एक यहाँ पर मार्क है ट्राइंगल के साथ, जब कोई इंसान मुझे ओवरटेक करेगा पीछे से और ब्लाइंड स्पॉट में रहेगा, मुझे वो चीज वहां पे वार्निंग आ जाएगी कि भाई कोई मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं ये चीज आपको करके दिखाऊं, देखो अभी पीछे से ना बस आ रही है एक, अब जैसे ही वो मेरे इसमें, ये देखो ये दिखाया, प्लस यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी यहाँ पर भी वो रेड दिखाता है, मतलब किन कुछ कुछ लोगों का ध्यान वहां नहीं होता, यहाँ सामने की तरफ होता है, तो वहां पर भी वो वार्निंग दिखा देता है। बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम की, ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन से थोड़ा अलग है, ये तब जब आप लेन चेंज एक्चुअली करने जाओगे और आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई व्हीकल होती है ना, वो आपको इस ड्राइवर साइड से ओआरवीएम में नहीं दिखती, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इंडिकेटर दूंगा यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देखते हो, ठीक है, मुझे एक व्हीकल आ रही है पीछे से, एक्सयूवी 500, वो देखो आ रही है, वो अभी दिख रही है मुझे ब्लाइंड स्पॉट में, बट वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही थी, ठीक है, यहाँ पर वो चीज विजिबल है, ये देखो अभी वो ग्रैंड विटारा आ रही है, ठीक है, बट वहां देखो अभी भी विजिबल नहीं है, वो अब निकली है। तो बेसिकली वो ओआरवीएम जो चीज कवर नहीं कर पाता वो ये चीज करती है। इसका एग्जांपल है ना, मैं आपको एक क्या बोलते हैं इंसान के रूप में देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बताया था ना ह्यूमन पे, तो अब यहाँ पे पहले मिरर में देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, इस वक्त आपको यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं है, बट अपना भाई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पर विजिबल नहीं है जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाले पॉइंट होता है, बट जैसे ही मैं ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे इंडिकेटर देता हूँ मैं, ये देखो वो यहाँ पर विजिबल है। तो कोई भी गाड़ी एक सर्टेन एंगल यहाँ पर होगी ना, तो आपको इसमें तो नहीं बट इसमें जरूर दिख जाएगी। बात करते हैं सेवन पॉइंट की, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है इस गाड़ी में, जो एडास लेवल 2 के अंडर आता है, वो है फ्रंट कोलिजन वार्निंग इन टर्म्स ऑफ पेडेस्ट्रियन। अब या कोई समझो ह्यूमन साइकिल या कोई मोटरसाइकिलिस्ट भी आ गया तो ये गाड़ी डिटेक्ट कर लेगी उसको और अपने आप रुक जाएगी। अभी अपने पास कोई डमी तो नहीं है, अपना दोस्त यहाँ पे खड़ा है, बेचारे को बहुत डर लग रहा है, बट ये चीज करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं ब्रेक नहीं दबाऊंगा, गाड़ी सब कुछ खुद ही करेगी, ये देखो ये गाड़ी ने खुद किया है, मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया। डर लग रहा था क्या भाई, फीचर तो क्या पड़ती है। तो भाई ये है इन टर्म्स ऑफ पेडेस्ट्रियन, ये डिटेक्ट कर लेती है, छोटे छोटे बच्चे रोड पे भाग के आ जाते हैं अचानक से, गली वली से जा रहे हो, गाड़ी बढ़िया तरीके से डिटेक्ट कर लेती है और भाई कुछ भी अनहोनी होने नहीं देती। सो ये था फ्रंट कोलिजन वार्निंग इन टर्म्स ऑफ पेडेस्ट्रियन। भाई बात करते हैं एट पॉइंट के बारे में, जो एडास के अंडर आता है, वो है साइड ट्रैफिक अलर्ट एंड अवॉइडेंस असिस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। अब इस केस में क्या होता है ना, जब भी हम रोड के साइड में खड़े होते हैं फिर हम रोड में ऐसे सीधा चले जाते हैं, तो जो पीछे से ट्रैफिक आता है तो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके के आपके डैमेज ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो, तो आप उस चीज को कैसे टर्न लेते हो ना, तो अगर कोई आ रहा होगा ब्लाइंड स्पॉट में होगा ना, तो गाड़ी अपने आप वहां पे अवॉइडेंस असिस्ट देगी, यानी कि अपने आप वो ब्रेक लगा लेगी। अभी अपने पास कोई गाड़ी तो है नहीं, अपना भाई है यहाँ पर, वो भाग के आएगा, वो उसको भी यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा और गाड़ी रुक जाएगी। मैं सिर्फ टर्न मार के ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैं रोड में ऐसा मर्ज हो रहा हूँ, ठीक है, मैं साइड में खड़ा हूँ और ऐसे सीधा अपना चला जाऊंगा। अभी देखो स्टार्ट, अभी मैं धीरे धीरे ये करता हूँ, ये देखो गाड़ी ने खुद ब्रेकिंग किया है और फिर अपना आगे बढ़ना शुरू हुई है। मैंने ब्रेक नहीं प्रेस किया था, तो ये जो साइड ट्रैफिक अलर्ट एंड अवॉइडेंस असिस्ट है ना, ये आपको तब काम आता है। और अब मैं आपको लास्ट वाला बताता हूँ, जो कि है रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट एंड अवॉइडेंस असिस्ट। उसमें होता क्या है कि समझो आप गाड़ी रिवर्स ले रहे हो और रोड से ऐसे कोई गाड़ी आपके पास हो रही है, तो गाड़ी उसको डिटेक्ट करके अपने आप रुक जाएगी। तो ये ट्राई करके देखते हैं अगर ह्यूमन पे वर्क करता है कि नहीं, बाकी मैंने आपको पूरा बता ही दिया। भाई ह्यूमन पे तो नहीं, बट अपने पास प्रॉपर कार है मेरी वाली, ये देखो, हम कार को ही यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, जब रिवर्स ले रहे होंगे कोई कार पास होगी तब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। पहले मैं गाड़ी को डालता हूँ रिवर्स में, ठीक है, इसको हॉर्न देते हैं, चलते हैं धीरे धीरे पीछे, अपने आप डिटेक्ट, ये देखो अपने आप डिटेक्ट हुआ है और गाड़ी ने यहाँ पे ब्रेकिंग की है, कोलिजन वार्निंग भी यहाँ पर आई थी। तो भाई ये कुछ ऐसे काम करता है जब पीछे आप रिवर्स ले रहे हो और कोई गाड़ी अचानक से
यू नो गुजरती है, लोगों को इतना सबर नहीं होता, तो ऐसे टाइम में ना ये फीचर बहुत काम आता है। और इसमें एक और चीज है कि मतलब आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस बना के चलना है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल में, वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्रूज कंट्रोल सेट कर देता हूँ 45, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये वाला जो आइकन है, ये वाला, तो वो यहाँ से मैं अगर उसको कम करूँ उसकी कि कितना डिस्टेंस बना के चलना चाहिए, तो उसकी लेवल यहाँ पे आपको 3 मिल जाते हैं टोटल। तो आप अकॉर्डिंगली उसे यूज कर सकते हो कि मतलब जब हाईवे पे चल रहे हो तो आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस बना के चला जाए। मैं ये वाला बोल रहा था, ये वाला जो आइकन आता है ना, ये वाला आपने देखा होगा, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है ऐसे टाइम पे। सो भाई ये था किया सेल्टॉस 2024 का एडास के जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए, जो इसमें सभी फीचर्स को मिला के आपको कुछ 15 से 16 फीचर्स मिल जाते हैं। सो आप मुझे बताओ भाई ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। और ह्यूज थैंक्स मेरे कैमरा पर्सन को जिसने अपनी जान खतरे में डाली और इस चीज़ को मुमकिन किया, बिकॉज यार गाड़ी नहीं थी अपने पास, तो पेडिस्ट्रियन पे भी ये काम करता ही है, तो मुझे पता था ये चीज़, तो हमने पेडिस्ट्रियन पे किया। बट स्टिल यार डर तो लगता है ना, डमी डमी होता है, इंसान इंसान होता है। सो यस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इसका वॉक अराउंड रिव्यू, इसका ड्राइव रिव्यू सभी आपको ऐसे मिलता जाएगा। सो भाई मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। और कैमरा पर्सन के लिए एक लाइक कर देना।